रहमतुल्लाहि व बरकातुहु उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम मुश्किल से परेशानी टेंशन दूर करे आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग और चैनल। तो आज है डे 3 ब्लॉग का और आज मैं जा रही हूँ सिलाई सीखने। मैं सेंटर में बहुत छुट्टियाँ करती हूँ तो चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई। वैसे आज कितनी अच्छी हवा चल रही है और धूप कैसे निकल रही है, सूरज अपने पूरे तापमान पे ताप चमक रहा है, धमक रहा है और हवा ऐसे VIP चल रही है ना। और यहाँ पे मम्मा ने डाल दिया है ला के बाजरा, जैसे कि हम डालते ही हैं। और अभी अपना हम ना अपना लीमू का दरख्त भी देख लेते हैं। ये नन्नू सा बड़ा ही नहीं होकर दे रहा, पता नहीं इसको क्या हो गया। ये वैसे छोटा वाला ही लीमू था, बाकी मेरा एलोवेरा तो मस्त है। ये देखें फूल दिया है। तो यही रास्ता है यहाँ से जाते हुए। तो जी हाँ, मैं से रही हूँ एक कमीज़ दुपट्टे की कमीज़ बना रही हूँ क्योंकि मैं अपना हाथ साफ़ कर रही हूँ कमीज़ के ऊपर, मतलब कि मुझे कमीज़ अच्छी तरीके से सीनी आ जाए। उसके बाद मैं शाम में चली गई अपनी कज़न की बर्थडे में, जो कि इनकी नहीं है, ये मायरा है छोटी सिस्टर बीच वाली की बर्थडे है। तो ये तैयार होकर खड़ी है, इनके होठ ऐसे रहते हैं जब ये लिपस्टिक लाती हैं। तो मैं तैयार वगैरह नहीं हुई क्योंकि इनका बर्थडे करने का कोई इरादा नहीं था, ऐसे बच्चों की खुशी के लिए केक काट रहे थे। तो हम लोग चले गए और यहाँ पे हमारी हरम रो रही हैं क्योंकि इनकी मामा ने इनको तैयार नहीं किया। मैंने कहा वो फिर भी बहुत ज़्यादा प्यारी रखती हैं, कोई बात नहीं है, तैयार होना ज़रूरी नहीं होता। तो फिर मैं सबसे बारी बारी करके मिली और यहाँ पर इतना बड़ा मसला हुआ है कि हमारी लाइट कटी हुई है, क्या करें। बस अब लाइट और पानी और गैस को ही रोते रहेंगे हम लोग। तो भाई, तो मैंने ब्लॉग शूट कर लिया था, मैं चैलेंज हार ही नहीं, लेकिन नेट इतना स्लो चल रहा है, डेटा इतना स्लो चल रहा है कि अपलोडिंग करने में और एडिट करने में बड़ा मसला हो रहा है। इस वजह से ब्लॉग देर से अपलोड कर रही हूँ मैं, लेकिन मैंने ब्लॉग शूट कर लिया था। यहाँ पे मैं अपनी आनी के साथ मिलाते हुए और सबको देखते हुए यहाँ पर हम केक निकाल के रखेंगे। ये है हमारी बर्थडे गर्ल ज़ैनब गुल, तो इनकी बर्थडे और इनका केक भी इनकी शर्ट जैसे ही था, माशाल्लाह से अच्छा लग रहा था केक भी। और यहाँ पे हमारे अबू बकर खड़े हुए हैं और ये कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू केक, ये केक को विश करते हैं, इंसान को विश नहीं करते। और यहाँ पे देखें केक, जैसे ज़ैनब ने कपड़ा पहना वैसे केक है ज़ैनब गुल। और अब ज़ैनब काटेंगी केक। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी खुशियों में खुशियाँ ढूंढते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे मौक़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए। और यहाँ पे सारे बच्चे खड़े हो गए हैं नदी दो की तरह, जैसे हम भी अपने बचपन में खड़े होते थे केक के पास। और यहाँ पे इनकी मम्मा बहनें सारी कज़नें वगैरह सब खड़े होकर केक कटवा रही हैं और ज़ैनब ने काट दिया है केक। ये देखें हैप्पी बर्थडे टू यू ज़ैनब। फैब में ना बहुत सारे लोगों का बर्थडे आता है, मेरी आनी का बर्थडे आता है, मेरा बर्थडे आता है, मेरी ये वाली कज़न का बर्थडे आता है और 16 को मेरा होता है, 17 को मेरी एक और कज़न का बर्थडे होता है। मतलब फैब में मतलब बहुत सारे बर्थडे होते हैं और ऐसे ही हमारे घर में दिसंबर में बहुत सारे बर्थडे होते हैं। और ये देखें केक और इनका फूल एक जैसा लग रहा था और ये मैंने इनको गिफ्ट दिया है, इन्होंने कहा थैंक यू। उसके बाद हमारी मोमानी ने कर दिया है केक का कत्ल। देखें पहली दफ़ा केक का कत्ल होते हुए, तो जी यहाँ पे केक का कत्ल हो चुका है और सबको उनके हिस्से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। और यहाँ पे हमारी मायरा पढ़ रही हैं नमाज़, बांध रही हैं दुपट्टा क्योंकि इनको बहुत शौक़ है नमाज़ पढ़ने का। तो जी यहाँ पे ईशा की अज़ान हो रही थी और ये नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने कहा आप नमाज़ पढ़ के हमें दिखाएंगी, तो इन्होंने कहा हाँ जी क्यों नहीं, तो मैं दुपट्टा बांध लूँ ज़रा फिर दिखाती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है जी। फिर ये जी नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई हैं और फिर भी अपने दुपट्टे को बांधे ही जा रही है। मैंने कहा बेटा लाओ मैं बांध देती हूँ, फिर मैंने इनका दुपट्टा बांधा और फिर ये नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ गई हैं। तो बच्चे जो बड़ों को देखते हैं वही सीखते हैं, तो अपने बच्चों को ऐसी आदत देनी चाहिए और उनके सामने अच्छी अच्छी हरकतें करनी चाहिए और अपना दीन सिखाना चाहिए और उनको मदरसे भेजना चाहिए। बड़ा और छोटा नहीं होता, बच्चे बचपन से ही सीखते हैं। उसके बाद जी हमारी आनी कह रही थी ये शर्ट और ट्राउज़र रेडीमेड, तो आनी कह रही थी आप पसंद कर लो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो ले लो। मैंने कहा मैं रेडीमेड नहीं लूँगी, मैं अन स्टिच लूँगी, तो मैंने ले लिया अपनी पसंद का सूट। लेकिन ये मैं वैसे ही दिखा रही थी, मुझे ये वाला बहुत अच्छा लग रहा था, इसके जो पजामे पे वो बेल लगी हुई ना बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। लेकिन क्या करूँ, मैंने ऐसा सूट पहले ही बना लिया है इस कलर का, मैरून कलर का, ये लग रहा है ऐसा है मरजंडा लेकिन ये है मैरून कलर का। और यहाँ पर हमारी मायरा साहिबा कपड़े बदल रही हैं क्योंकि इनको फ्रॉक काटती है, काटने से मुराद ये है कि हम भी बचपन में कपड़े पहनते थे, वो भी हमें चुपते थे, तो इसलिए वही हाल इनका है। तो जी सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मेरा डे 3 का ब्लॉग अपलोड हो रहा है और आप लोग लाइक भर भर के कर दीजिए और व्यूज़ भी अच्छे अच्छे से ला दीजिए। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कल ब्लॉग का कीजिएगा इंतज़ार, इंशाल्लाह 12 बजे से पहले डालने की कोशिश करूँगी और दुआ करें कि हमारी लाइट आ जाए
और हम पे से ही अजाब ख़त्म हो जाए, हम पे से ही हमारे मुल्क पे से ही अजाब ख़त्म हो जाए। और ये वाले सूट है, उसकी भी बिल बहुत ज़्यादा प्यारी होगी। जी बाय।